अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स इन जस्ट वन क्लिक। क्या आपको पता है बिजी 21 में वाउचर की ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, वो भी वाउचर को बिना ओपन किए। इस वीडियो की हेल्प से देखेंगे कि कैसे बिजी में वाउचर को ओपन किए बिना ही ट्रांसपोर्ट डिटेल को अपडेट करते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिटेल्स की नीड तब होती है जब ईवे बिल ई नॉइस जनरेट करते हैं। वैसे तो जब वाउचर को ऐड और सेव करते हैं तभी ट्रांसपोर्ट विंडो अपीयर होती है, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास राइट्स नहीं होते ईवे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करने के। देन उस केस में नेक्स्ट लेवल पर जो ऑपरेटर होते हैं वो ट्रांसपोर्ट डिटेल को अपडेट करते हैं और ईवे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। आइए देखते हैं इसके प्रोसीजर को। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में मिसलेनियस डेटा एंट्री पर आएंगे और क्लिक करेंगे अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स पर। ऐसा करने के साथ ही पिक ट्रांजेक्शन फॉर्म में ट्रांजेक्शन पर फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि अगर सिर्फ सेंट्रल ट्रांजेक्शन में ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करना है देन सेंट्रल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही लोकल ट्रांजेक्शन के लिए लोकल और सभी ट्रांजेक्शन के लिए बोथ ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पिक ट्रांजेक्शन फॉर्म में वन पार्टी के ट्रांजेक्शन में अपडेट करना है, ग्रुप ऑफ पार्टी के ट्रांजेक्शन में अपडेट करना है या ऑल पार्टीज में। फिलहाल ऑल पार्टीज सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को डेट वाइज ओपन करना है या वाउचर नंबर वाइज। वाउचर नंबर के केस में स्टार्टिंग और एंडिंग वाउचर नंबर को स्पेसिफाई करना होगा। इसमें डेट वाइज सेलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर किस वाउचर के लिए ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करना है, इसमें सेल सेलेक्ट करते हैं, वाउचर सीरीज सेलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंट्रीज टू बी पिक ऑप्शन में ऑल सभी के लिए, ऑल ब्लैंक मींस ट्रांसपोर्ट डिटेल में सारी फील्ड्स ब्लैंक है वही वाउचर लिस्ट में शो हो, एनी ब्लैंक मींस ट्रांसपोर्ट डिटेल में कोई भी फील्ड ब्लैंक है वो वाउचर शो हो जाए। फिलहाल ऑल सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फिल्टर ईवे बिल वाउचर में भी ऑल सभी वाउचर के लिए सेलेक्ट करते हैं, ईवे बिल रिक्वायर्ड एज यस मींस वो वाउचर शो हो जाए जिसमें ट्रांसपोर्ट विंडो पर ईवे बिल ऑप्शन यस हो, और ईवे बिल नंबर एज ब्लैंक इट मींस ट्रांसपोर्ट विंडो में ईवे बिल नंबर की फील्ड ब्लैंक है वो वाउचर शो हो जाए। फिलहाल इसमें भी ऑल सेलेक्ट करते हैं और ओके करेंगे। इसी के साथ अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें ट्रांसपोर्ट डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अब अगेन इसमें ट्रांसपोर्टर का नेम स्पेसिफाई करना है और उस ट्रांसपोर्टर को पहले भी वाउचर में यूज किया है, देन सिंपल F4 प्रेस करेंगे और डेटाबेस से पिक कर लेंगे। ऐसे ही व्हीकल नंबर में भी F4 प्रेस करके व्हीकल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी डिटेल्स स्पेसिफाई करना है उसको स्पेसिफाई करेंगे और सेव करेंगे। इस फीचर की हेल्प से ऑपरेटर का टाइम बहुत सेव होगा और एक ही विंडो से मल्टीपल वाउचर्स की ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।